अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलवा फूड डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राइड राइस, जो बहुत ही आसानी से और कम वक्त में बन जाता है। चले आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन एक प्याली, बंद गोभी एक प्याली, गाजर एक प्याली, शिमला मिर्च आधा प्याली, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, चिकन क्यूब 1 अदद। ऑयल चाहिए 1/2 कप, 2 अदद अंडे चाहिए और चावल चाहिए 1/2 किलो उबले हुए। चले आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, इसमें हम ऑयल डालेंगे, 1-2 मिनट ऑयल गरम होने छोड़ देंगे। ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे, इसको हल्का सा पकाएंगे। अब इसमें गाजर डालेंगे, इसको पकाएंगे। इन सब्जियों को हमने स्टफ फ्राई करना है। शिमला मिर्च डालेंगे, सब्ज मिर्चें डालेंगे, पकाएंगे। इसको व्यूअर्स 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक, चिकन क्यूब, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ग्रेवी तैयार है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये ग्रेवी रेडी हो गई है। अभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें लास्ट में सिरका ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे। इन चावल अब अच्छे से दम हो गए हैं। अब हम इसमें लास्ट में बॉयल अंडा, हमने देखें क्यूब्स में काट लिए, ठीक है, इसमें हम बॉयल अंडा डालेंगे और चॉप की हुई सब्ज मिर्चें डाल देंगे और मज़ीद 5 से 10 मिनट दम पे छोड़ देंगे। ये देखें, मज़ेदार फ्राइड राइस तैयार हैं। देखें, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार फ्राइड राइस तैयार हैं।